अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप भी लिथुआनिया में जाके 11 लाख रुपया फ्री में हासिल करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आप दोस्तों के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर लिथुआनिया ऑफर कर रहा है आप दोस्तों को 11 लाख रुपया। और फ्रेंड मैं आप लोगों को बता चलूँ, यहाँ पर जो वीज़ा रेशो है वो भी तकरीबन 99% फ्रेंड आप लोग समझे, क्योंकि लिथुआनिया में जो पॉपुलेशन है तकरीबन वो फ्रेंड यहाँ पर 2.8 मिलियन है फ्रेंड, जिसमें से ये पॉपुलेशन बढ़ने की जगह कम होती जा रही है। तो इसलिए लिथुआनिया की गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम समझ लें, एक प्रोसेस टाइप शुरू किया हुआ है आप दोस्तों के लिए, अगर आप लोग एशियन कंट्रीज से हैं, क्योंकि एशियन कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो फ्रेंड ये आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड आप लोगों को जॉब मिलने के चांसेस भी ज़्यादा है, क्योंकि इस कंट्री में जो पॉपुलेशन कम हो रही है तेज़ी से, और आप दोस्तों को यहाँ पर जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी फ्रेंड। ना तो यहाँ पर आप लोगों को ही किसी किस्म का आइल्स चाहिए, ना ही कोई आप लोगों के पास बड़ी डिग्री होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास स्किल है, जैसे प्लम्बर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, क्लीनर है, या कोई भी काम आप करते हैं, कारपेंटर, डेंटर, या घरों के आप लोग कारपेंटर डेंटर है, तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आप दोस्तों को बताया चलूँ 1700 यूरो आप लोगों को सैलरी मिलती है। तकरीबन पाकिस्तानी अगर आप लोग इसे कन्वर्ट करें तो 1 लाख तकरीबन 5,41,000 रुपये सैलरी फ्रेंड्स यहाँ पर आप दोस्तों की बन जाती है। और फ्रेंड मैं आप लोगों को बताया चलूँ, ये एक यूरोपियन कंट्री है और शेंजन कंट्री, अगर आप लोगों के पास इसका वीज़ा आ जाता है एक दफ़ा तो आप लोग अपना फेवरेट कंट्री में भी जा सकते हैं, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, नॉर्वे, किसी भी कंट्री में जाके आप इजीली यहाँ पर रह सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर एक दफ़ा आप लोग जब चले जाएंगे आप लोगों को 11 लाख रुपए भी मिलेगा और आप लोग अपनी फैमिली को भी बुला सकेंगे। तो फ्रेंड यूरोप में आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं, जिनमें से एक ये भी कंट्री है, ठीक है, लिथुआनिया, जिसमें आप लोगों को एजुकेशन वगैरह आप लोगों के बच्चों की फ्री मिलती है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप दोस्त फ़ायदा उठा सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। फ्रेंड बात की जाए अगर आप लोग विजिट वीज़ा पर जाते हैं तो भी यहाँ जाके आप लोगों को जॉब मिलती है, सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अप्लाई करना है। अप्लाई फ्रेंड मैं आप लोगों को तकरीबन हर वीडियो में बताता रहता हूँ किस तरह से करना है, लेकिन मैं आप लोगों को आज थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, डिटेल में बताऊँगा, ताकि आप लोगों को पता लगे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, किस तरह से अप्लाई करना होता है, ये सारी चीज़ें फ्रेंड आज की इस वीडियो में बात करेंगे। प्रोसेसिंग टाइम की फ्रेंड यहाँ पर बात करें, तकरीबन 15 से 20 दिन में आप लोगों का वीज़ा, अगर आप लोगों को जॉब ऑफर मिल गया तो 15 से 20 दिन में, और इसके जो चांसेस हैं 99% है फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। जॉब्स की यहाँ पर बात करें तो फ्रेंड अगर आप लोग प्लम्बर हैं, टाइल फिटर हैं, मैसन हैं, या मतलब कि दीवारें चढ़ाने वाले हैं, मतलब कोई भी अगर आप लोगों का काम आता है, ठीक है, जो स्किल होती है, ठीक है, आईटी से रिलेटेड काम आता है तो वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आप लोग फार्मिंग का काम जानते हैं, कोई भी जॉब अगर आप लोगों को आती है तो फ्रेंड मैं आप लोगों को कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट्स हैं, सारे लिंक हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ भी हैं, आप लोग उनसे भी रब्ता करें, अप्लाई भी करें, यहाँ पर फ्रेंड जॉब्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और फ्रेंड यहाँ पर बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े कंट्री इसके बॉर्डर में आते हैं, ठीक है फ्रेंड, फ्रांस वगैरह, इस तरह के कंट्री इसके बॉर्डर, मतलब कि लिथुआनिया आता है, रशिया आता है, इस तरह के कंट्री इसके, लेटविया, इस तरह के कंट्री इसके बॉर्डर में आते हैं, जो कि अच्छे कंट्री हैं, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ से एक दफ़ा अगर आप लोगों को मान लो यूरोप की इस कंट्री का वीज़ा मिल जाता है और आप लोग कहते हैं कि यार यहाँ सैलरी कम है, तो आप लोग जर्मनी में जाके काम कर सकते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को फ़ायदा है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों को सिटीज़नशिप भी मिलने के काफ़ी, मतलब आप लोगों को 5 साल अगर आप लोग इस कंट्री में रह लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सिटीज़नशिप मिलने के भी बहुत, मतलब चांसेस नहीं है कि आप लोगों को सिटीज़नशिप मिलती ही मिलती है, पहले आपको PR मिलती है, उसके बाद आप लोगों को सिटीज़नशिप मिलती है, EU ब्लू कार्ड मिलता है, मतलब आप लोगों की सैलरी भी यहाँ पर डबल हो जाती है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड को बुला सकते हैं, किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए इस कंट्री में। आप लोग अप्लाई करें, रोज़ 2-3 जॉब्स अप्लाई करें। अगर आप लोग यहाँ पर हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, CV और कवर लेटर प्रोफेशनल बनवाना चाहते हैं, तो फ्रेंड यहाँ पर हमारी सर्विस भी है, जिसमें हम आप लोगों को CV कवर लेटर बना के देते हैं। उसके बाद फ्रेंड आप लोगों के लिए जॉब्स भी अप्लाई करते हैं, वो भी हमारी एक पेड सर्विस है, जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट नहीं है, लाखों रुपये नहीं है, तो ये फ्रेंड आप लोगों के लिए ऑप्शन है। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए थी जो ज़्यादातर मैसेज करके मुझे बोलते हैं कि यार हमारे पास लाखों रुपया नहीं है लेकिन हमने यूरोप जाना है, तो मैं रिसर्च करके ऐसी कंट्री लेके आता रहता हूँ जिससे आप दोस्तों को फ़ायदा हो। अगर तो फ्रेंड आप लोगों पर लाखों रुपया या आप बहुत ज़्यादा अमीर है तो आप लोग डन बेस पे भी वीज़ा ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा शेंजन कंट्रीज़ के वीज़े पाकिस्तान में अवेलेबल होते हैं, जिनकी प्राइसेस, अभी कुछ टाइम पहले एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि कमेंट किया, कहता है भाई 50 लाख का इटली का वीज़ा मिल रहा है, क्या मैं ले लूँ? तो आप लोग देख सकते हैं कि वीज़ा की प्राइसेस कितनी ज़्यादा है,
लेकिन एक ये अपॉर्चुनिटी है आप दोस्तों के लिए, आप लोग इस तरह के काम में अप्लाई किया करें ताकि कोई ना कोई चांसेस आप लोगों के बन सके। 100% तो ये नहीं होता, आप लोग अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयर अगर रेडी हो आप लोगों के लिए वीज़ा देने के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और आप लोग फ्री में यूरोप का मतलब कि वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं और उसके बाद अपनी फेवरेट कंट्री में जाके जॉब वगैरह करके लाखों रुपया कमा के अपनी फैमिलीज को सपोर्ट भी कर सकते हैं। फ्रेंड रिक्वायरमेंट्स की बात करें, यहाँ पर आप लोगों का पासपोर्ट हो गया, उसके बाद ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस 2 साल आप लोगों का पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल की होनी चाहिए, उसके बाद आप लोगों का पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट हो गया और जो नॉर्मली आप लोगों का CNAC कार्ड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये सारे आप लोगों ने अटैच करने हैं और अपना वीज़ा अप्लाई करना है। इस वीज़ा पे आप लोगों का जो खर्चा आता है यार कोई ज़्यादा नहीं आता, एक किस्म का फ्री होता है। एम्बेसी की फीसिस वगैरह जो होती हैं वो आप लोगों ने पे करनी होती है, तकरीबन 100-150 यूरो वो पे करनी होती है, यही आप लोगों का खर्चा आता है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, यूरोप एशिया से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, जॉब अपडेट गल्फ वगैरह, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।